रेडियो हिंदुस्तान, वंदे मातरम रेडियो हिंदुस्तान। आज ये रजनी लेकर आई आपके लिए रेडियो कहानी प्रभु दर्शन। एक दिन एक मोची का काम करने वाले व्यक्ति को रात में भगवान ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि मैं कल सुबह तुझसे मिलने तेरी दुकान पर आऊँगा। मोची की दुकान काफ़ी छोटी थी और उसकी आमदनी भी बहुत कम थी। उसके पास ज़रूरत की चीज़ें भी थोड़ी ही थी। इसके बावजूद वो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश रहता था। वह एक सच्चा, ईमानदार और परोपकार करने वाला ईमानदार इंसान था, इसलिए ईश्वर ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया था। मोची को जब यह पता चला कि ईश्वर मेरे पास आने वाले हैं, मोची ने सुबह से उठते ही तैयारी शुरू कर दी। भगवान को चाय पिलाने के लिए दूध, चाय पत्ती और नाश्ते के लिए मिठाई ले आया। दुकान को साफ सुथरा कर वह भगवान का बेसब्री से इंतज़ार करने लगा। उस दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी। थोड़ी देर में उसने देखा कि एक सफाई करने वाली महिला बारिश के पानी में भीग कर ठिठुर रही है। मोची को उसके ऊपर दया आई और भगवान के लिए लाए गए दूध से उसने उसके लिए चाय बनाकर उसको पिला दी। दिन गुजरने लगा। दोपहर में एक महिला बच्चे को लेकर आई और कहने लगी कि उसका बच्चा भूखा है, इसलिए उसे पीने के लिए दूध चाहिए। मोची ने सारा दूध उस बच्चे को पीने के लिए दे दिया। इस तरह से शाम हो गई। मोची दिन भर बड़ी बेसब्री से भगवान का इंतज़ार करता रहा। तभी एक बूढ़ा आदमी जो चलने में एकदम लाचार था आया और कहने लगा कि वह बहुत भूखा है, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मोची ने उसकी बेबसी देखी और उसे उस पर बहुत तरस आया। मोची ने उसकी बेबसी को समझते हुए उसे जो उसके पास मिठाई थी वह खिला दी। उसने कहा, बस मेरे पास तो सिर्फ यही है। इस तरह से पूरा दिन बीत गया और रात हो गई। रात होते होते ही मोची के सब्र का बांध टूट गया और वह भगवान को उल्हाना देते हुए बोला, वाह रे भगवान, सुबह से रात कर दी मैंने तेरे इंतज़ार में, लेकिन तू वादा करने के बाद भी नहीं आया। क्या मैं गरीब ही तुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए मिला था? तभी आकाशवाणी हुई और भगवान ने कहा, मैं आज तेरे पास एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया था और तीनों बार तेरी सेवाओं से बहुत खुश हुआ। तो मेरी परीक्षा में भी सफल हुआ, क्योंकि तेरे मन में परोपकार, त्याग और भाव सामान्य मानव की सीमाओं से भी परे हैं। मित्रों, आत्मा एक अंश है परमात्मा का, जो सभी जीवों में विद्यमान है। अतः प्राणियों की सेवा ईश्वर की श्रेष्ठ आराधना है। ईश्वर का कोई भौतिक शरीर तो होता नहीं है, क्योंकि भौतिक शरीर तो प्रकृति की देन है और परमात्मा पुरुष है, वो प्राणियों की चेतना है। अतः ईश्वर अपने भक्तों से मिलने के लिए किसी भी प्राणी के शरीर में प्रवेश करके ही मिल सकते हैं। यह भक्त की बुद्धि पर निर्भर करता है कि वह अपने इष्ट देव को पहचानता है कि नहीं। बने रहे हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं जल बचाएं। रेडियो हिंदुस्तान।